सभी का बिजनेस की बात प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ वंदा शर्मा। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई बनाने जा रहा है 500 करोड़ रुपए का कोष। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लंबे समय से डिजिटल भुगतान पर जोर दिया जा रहा है। अब इस कोरोना काल में ये बहुत जरूरी भी हो गया है ताकि कम संपर्क में आया जाए। ऐसे में आरबीआई द्वारा समय समय पर डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए हैं। इस कड़ी में अब आरबीआई द्वारा 500 करोड़ रुपए का PIDF यानी भुगतान संरचना विकास कोष बनाने की घोषणा की गई है, जिससे छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिले। इसके तहत छोटे शहरों और पूर्वोत्तर राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल यानी POS मशीनें लगाई जाएंगी। इन राज्यों में POS मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक 500 करोड़ रुपए देगा। बैंक ने इसके लिए शुक्रवार को ही PIDF बनाने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि RBI 250 करोड़ रुपए से शुरुआती योगदान के साथ इसे शुरू करेगा। बाकी आधी राशि कार्ड जारी करने वाले बैंक और कार्ड नेटवर्क लगाएंगे। केंद्रीय बैंक ने कहा, परिचालन खर्चे पूरे करने के लिए नियमित अंतराल पर अन्य नकदी योगदान भी मिलता रहेगा। आरबीआई ने कहा, भुगतान प्रणाली के डिजिटाइजेशन को और बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में स्वीकृति संरचना के विकास को बढ़ावा देने की जरूरत है, खासकर पिछड़े क्षेत्रों में। बयान में ये भी कहा गया है कि सालाना आधार पर किसी भी तरह की कमी होने पर उसकी भरपाई को केंद्रीय बैंक योगदान देगा। PIDF की निगरानी सलाहकार परिषद करेगी। इसका प्रशासनिक नियंत्रण RBI के पास रहेगा। POS मशीन के जरिए कारोबारी डिजिटल तरीके से भुगतान कर सकते हैं, इससे उन्हें नकदी को संभालने की जरूरत नहीं रहती। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से रिजर्व बैंक देश में ई भुगतान प्रणालियों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। POS लेन देन में साल 2021 तक डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कुल लेन देन का लगभग 44% हो जाएगा। देश भर में कार्ड की स्वीकार्यता के लिए बुनियादी ढांचा बढ़ने के साथ खासकर छोटे केंद्रों की सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है, जिससे कार्ड के संपर्क रहित भुगतान की व्यवस्था हो सके। तो दोस्तों, अगर आप हमारे नए यूजर हैं और हमारे चैनल से जुड़ी हर अपडेट को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती है। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।